अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जो हमारे कंटेंट हैं वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होती है, सर्टोलाइज सेल और लीडिंग सेल का क्या रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, और हॉर्मोनल कंट्रोल क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, गैमिटोजेनेसिस एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमीटो का मतलब होता है गैमीट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसमें गैमीट की फॉर्मेशन है। एक जो गैमीट है इट इज अ एग और द सेकंड गैमीट है इट इज अ स्पर्म। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन को हम गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अब जो गैमिटोजेनेसिस है, ये जो जर्म सेल्स हैं ये खुद ब खुद गुनेड में अराइज नहीं होते, मतलब ये खुद ब खुद किसी भी गुनेड में, चाहे वो ओवरी है चाहे वो टेस्टिस है, उनके अंदर खुद ब खुद ये अराइज नहीं होंगी, खुद ब खुद ये नहीं बनेंगी। इनको कोई स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए। जब उनके पास सिग्नल आता है तो उसके बाद ही ये गुनेड्स को डेवलप करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से सेल्स हैं, ऐसा कौन सा सिग्नल है जो इसको ट्रिगर करता है कि अब तुमने गैमीट को प्रोड्यूस करना है। एक्चुअली प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये कहीं और बनते हैं, और बनने के बाद ये गुनेड में आते हैं और वहां पे ट्रिगर करते हैं कि अब यहाँ से गैमीट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ठीक है, अब जो गैमिटोजेनेसिस है ये मतलब जो मिच्योर गैमीट बन रहा है ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स आते हैं, जिसमें से पहला स्टेप ये होता है कि हमने प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल्स हैं उनको डिटरमिन करना है। ठीक है, कि वो कहाँ पर हैं और उनका रोल क्या है। उसके बाद ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये डेवलपिंग गुनेड में माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने के बाद इनमें मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस के बाद उसमें मॉडिफिकेशन होगी और स्पर्म बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो स्पर्म है और एग सेल है उनमें क्या डिफ्रेंशिएशन होती है और हॉर्मोनल कंट्रोल क्या है गेमीट की फॉर्मेशन के लिए। तो जो फर्स्ट इसका स्टेप है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। डियर स्टूडेंट, जितने भी सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं वो गेमीट की फ्यूजन से ही बनते हैं। ठीक है, और गैमीट क्या है, स्पर्म और एग। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये डेवलपिंग गुनेड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब जो डेवलपिंग गुनेड है ये फीमेल के अंदर ओवरी होगी और मेल के अंदर ये टेस्टिस होंगे। ठीक है, ये डेवलपिंग गुनेड की तरफ मूव करेंगे और मूव करने के बाद इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद ये मिच्योर गैमेट्स बनाएंगे, ओवरी से एग बनेगा और जो टेस्टिस हैं वहां से स्पर्म बनेगा। ठीक है, कुछ एनिमल स्पीशीज में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनको डिटरमिन किया जाता है साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट के जरिए, और साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट में प्रोटीन्स और एमआरएनए आता है जो कि ये डिटरमिन करता है कि ये प्राइमोर्डियल सेल्स हैं। अब इन प्राइमोर्डियल सेल्स ने क्या बनाना है, डिफरेंट गैमीट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस लोकलाइजेशन भी हो सकती है और इंटरेक्टिंग विद अदर सेल्स मतलब नेबरिंग सेल्स के साथ इंटरेक्शन से भी जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो बन सकते हैं। और फिर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जब वो बनेंगे तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव गुनेड के पास चले जाते हैं। ठीक है, जो दूसरा स्टेप है वो है जर्म सेल्स की डिफ्रेंसिएशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ जर्म सेल। डियर स्टूडेंट, मेमेलियन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं ये इंड्यूस किए जाते हैं एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट के अंदर। ठीक है, जबकि अगर हम इंसेक्ट की बात करें, फ्रॉग की बात करें, निमाटोड और फ्लाइज की बात करें, तो उसके एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वही डिटरमिन कर लेता है कि ये जर्म सेल्स हैं। जबकि मैमल्स में इन जर्म सेल्स को इंड्यूस करवाया जाता है एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं ये एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ एपिब्लास्ट। अगर हम एक जाइगोट है हमारे पास, जाइगोट के बाद उसमें क्या होना शुरू हो जाती है, क्लीविज होना शुरू हो जाती है। तो क्लीविज के बाद ब्लास्टोडर्म बनता है और ब्लास्टोडर्म की जो ऊपर वाली लेयर होती है
वो फिर सेपरेट होना शुरू होती है दो लेयर्स में। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम एपिब्लास्ट कहते हैं, और जो नीचे वाली है वो हाइपोब्लास्ट है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो जर्म सेल्स हैं ये एपिब्लास्ट के पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जर्म सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एपिब्लास्ट, प्रिमिटिव स्ट्रीक और एलेंटोस के जंक्शंस पे भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इसको पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल एपिब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं ये इनका नॉर्मल सेल के साथ कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता अंटिल के जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है उसमें इंडक्शन स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब ये जो इंडक्शन है ये डिफरेंट प्रोटीन्स और जीन्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। जो पहला जीन है वो है WNT जीन। ये एक्चुअली एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है जो कि प्रोटीन से मिलके बनता है। ये एंडोडर्म से रिलीज होता है और प्रॉक्सिमल एपिब्लास्ट को जो है ये इंड्यूस करवाता है। ये ट्रिगर करता है कि तुमने BMP सिग्नल को रिस्पॉन्ड करना है। जो BMP सिग्नल है ये एक्चुअली बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन है, ठीक है। अब जो BMP है ये इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, और वो दो इंपॉर्टेंट जीन्स इसके इसके अंदर आते हैं। एक है BLIMP1 और दूसरा है PRDM14 जीन, ठीक है। अब BLIMP1 जीन का इसमें क्या रोल होता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है, ठीक है। और इसने सोमेटिक टाइप जीन एक्सप्रेशन को रिप्रेस करना है, लेकिन ये एक्टिवेट करता है उन जीन्स को जो एसोसिएट होते हैं प्लोरी पोटेंसी के साथ, ठीक है। टूटी पोटेंसी होती है और दूसरी प्लोरी पोटेंसी होती है, ठीक है। प्लोरी पोटेंसी मतलब जो स्पेसिफिक सेल्स को बनाते हैं ये उन जीन्स को एक्टिवेट करेगा। और जो PRDM14 है ये भी प्लोरी पोटेंसी को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन ये कुछ और जीन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्रोमाटिन की मॉडिफिकेशन भी करवाता है। अब एक दफा जो जर्म सेल्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन होगी तो अब ये जो जर्म सेल्स की मॉडिफिकेशन के बाद ये माइग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इनकी जो माइग्रेशन है वो किस तरीके से होगी, यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में पहले दिखाया हुआ है, अगर हम इसको पहले समझ लें कि सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास जर्म सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है एपिब्लास्ट के। उसके बाद जो है ये कहाँ पे चले जाएंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसके अंदर PGC जो है ये माइग्रेट करेंगे। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब जो जर्म सेल्स हैं इनकी क्या होगी, माइग्रेशन होती है। अब ये माइग्रेशन जो PGC हैं जो कि पोस्टीरियर एपिब्लास्ट में बनते हैं वो हाइंड गट में चले जाएंगे। अब ये जो PGC हैं दे आर मिच्योर एंड दे आर एक्टिव, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ से मूव नहीं करते अंटिल 9th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब 9वां दिन गुजर जाता है उस दिन ये क्या करते हैं, ये वहां से माइग्रेट करके जेनिटल ड्रेजिस में चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर ही रहते हैं 2 दिन तक। 11th डे ये क्या करते हैं, ये डेवलपिंग गुनेड में एंटर होते हैं और वहां पर मिलियंस ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी माइग्रेशन को दो प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं, एक है फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन और दूसरी है फिलोपोडिया प्रोटीन, ठीक है। अब इनकी माइग्रेशन हो गई है। अब इनकी माइग्रेशन के बाद जो अगला इनके अंदर स्टेप होता है वो होता है मियोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो पहले जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द हाइंड गट, और फिर हाइंड गट से वो माइग्रेट करके ये जेनिटल रेजिस में चले जाते हैं, और जेनिटल रेजिस में जाके ये गुनेड्स पे पहुंचते हैं और वहां पे इनकी मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, जो PGC हैं अब ये गुनेड के पास जाएंगे, इनमें मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद ये गैमेट प्रीकर्सर्स बनाएंगे, ठीक है। अब जो जर्म सेल्स हैं इन्होंने, क्योंकि ये डिप्लॉइड हैं, अब इन्होंने अगर रिप्रोड्यूस करना है तो इस डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बनना पड़ेगा, ठीक है। अब हैप्लॉइड बनने के लिए इनको मियोसिस करना पड़ेगी, और मियोसिस के स्टार्ट होने से पहले इनको DNA की सिंथेसिस करवानी है, क्योंकि ये DNA की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मियोसिस को इनिशिएट करने के लिए। अगर हम रिकॉल करें मियोसिस की फेजेस को तो इसमें इंटरफेज आते हैं और उसके बाद एम फेज आता है, ठीक है। इंटरफेज में तमाम प्रेपरेशन होती है जो कि डिवीजन के लिए नेसेसरी होती है। अब इंटरफेज की डिफरेंट फेजेस होते हैं, G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, ठीक है। अब जो G1 फेज है उसमें तमाम वो चीजें बनती हैं जो कि S फेज में चाहिए होती हैं, और S फेज को ही हम एक्चुअली सिंथेसिस फेज कहते हैं, जहां पे DNA की डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद
जो है वो G2 फेज स्टार्ट हो जाता है, और ये प्री माइटोटिक फेज है, और वहां पे तमाम चीजें वो सिंथेसाइज होती है, जैसे कि माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं वहां पे, और क्योंकि ये ड्यूवियन के लिए नेसेसरी होते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये इंटरफेस में बन जाती हैं। उसके बाद जो ड्यूवियन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये ड्यूवियन जो है वो चाहे माइटोसिस है चाहे वो मियोसिस है, वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से डीएनए के सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है मियोसिस को स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे कि आपको ये पता है कि मियोसिस जो है उसमें दो डिवीजन्स होंगे, क्योंकि हमने क्रोमोसोम नंबर को क्या करना है, हैप्लॉइड करना है। हमारे पास डिप्लॉइड है, उसको हमने हैप्लॉइड करना है, इसलिए डिवीजन दो दफा होंगी। जो पहली डिवीजन होगी इसलिए हम इसको मियोसिस 1 कहेंगे, डिवीजन 1। मियोसिस 2 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिवीजन 2 हो रही है। ठीक है, अब मियोसिस 1 इसके जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है, दे आर सिमिलर विद माइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये मियोसिस 1 का फेज है, इसलिए हम इसको प्रोफेज 1 कहेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी वेरिएशंस हैं पॉपुलेशन में, चाहे वो ब्रदर सिस्टर में है या फिर इंटायर पॉपुलेशन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है, इसी प्रोफेज 1 की वजह से। डियर स्टूडेंट, इसके डिफरेंट फेजेज हैं। पहला फेज है लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकेनेसिस। जो लिप्टोटीन फेज है, पहली बात तो आप ये याद रख लो कि मियोसिस जो है ना ये हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं, दो पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं, ब्लू में दो क्रोमोसोम और दो ही रेड में दिखाए हुए हैं, और एक क्रोमोसोम में हमेशा दो क्रोमाटिड होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड होते हैं, और यहाँ पे एक पेयर होमोलोगस का लिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लिप्टोटीन फेज है, इस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंडेंस होने के बाद जो जेगोटीन फेज है इसमें साइनेप्स बनना शुरू हो जाएगी, और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइनेप्स बनने का मतलब है कि ये जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, दे स्टार्ट कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होना शुरू होती है, और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्यास्मेटा फॉर्मेशन। यहाँ पे एक तो क्रॉसिंग ओवर होती है, दूसरी यहाँ पे क्यास्मेटा फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, अब जो डिप्लोटीन फेज है इसमें जो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अपार्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अभी भी अटैच्ड होते हैं क्यास्मेटा के जरिए, और क्यास्मेटा यहाँ पे बनता है पैकेटीन में, लेकिन यहाँ पे मोस्ट विजिबल होते हैं। ठीक है, डायाकेनेसिस में ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और ये प्रोफेस अभी खत्म हो गया। जब प्रोफेस खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, और फिर जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, और यहाँ पे ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स हैं जो कि ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इन सेंट्रियोल से ये प्रोफेज खत्म हो गया, और मेटाफेज जो फेज है उसमें क्रोमोसोम सेंटर में आके अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये सेंटर में अरेंज होंगे, जो सेंट्रियोल्स हैं यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। ठीक है, अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यहाँ से तीन तरह के, इसको आप माइटोटिक अपेरेटस भी कहते हो, जो कि तीन तरह के यहाँ से स्पिंडल्स को निकालता है। एक है एस्टर, जो कि स्टार्ट शेप होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन है काइनेटोकोर, उस काइनेटोकोर के साथ इस स्पिंडल को आपस में अटैच करते हैं, और इसकी अटैचमेंट की रीजन क्या होती है, ताकि इन क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल की तरफ ये पुल कर सके। ठीक है, अब मेटाफेस में ये सेंटर में अरेंज होंगे। ठीक है, अब मेटाफेस में ये सेंटर में अरेंज हो गए हैं, और इनके अरेंज होने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो प्रोटीन क्या करती है, साइक्लिन B को डिग्रेड होने से बचाती है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि जिन क्रोमोसोम्स में ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है उसमें नॉन डिसजंक्शन होती है, या फिर एनियोप्लाइडी लाइक डाउन सिंड्रोम जो सिंड्रोम है वो हो सकती है अगर ये प्रोटीन एब्सेंट होगी। एक्चुअली प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जो कि इसको सेंटर में अरेंज करवाती है। उसके बाद
जो क्रोमोसोम्स हैं वो एनाफेस पे चले जाते हैं, और एनाफेस में ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे को ऑपोजिट पोल की तरफ पुल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है टीलोफेस स्टार्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, जो एम फेज है उसके दो फेजेस होते हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और जो दूसरी है वो होती है साइटोकाइनेसिस। अब जो टीलो फेज है यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस हुई है लेकिन साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज नोट करनी है कि जो मियोसिस होता है ना उसमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होता है, ठीक है। ये पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है, ये भी क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है। यहाँ पे मियोसिस वन में हमेशा क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ना के क्रोमाटिड, ठीक है। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुई है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है उसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इसकी हेल्प करेंगी सेपरेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस वन हो गई है, मियोसिस वन के बाद मियोसिस टू स्टार्ट होगी, यानी कि डिवीजन टू। अब जैसे हमने पीछे देखा था कि दो सेल यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं, और ये दोनों सेल्स क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट है, मतलब जिन्होंने मटेरियल एक्सचेंज किया था, ठीक है। अब इसके बाद जो मियोसिस वन के बाद इंटरफेस है वो नहीं होगी, इंटरकाइनेसिस होगी, लेकिन यहाँ पे कोई डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। अब मियोसिस टू स्टार्ट हो गई है, प्रोफेस टू, सेम वही न्यूक्लियर डिवीजन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट विल बी डिसअपियर, और मेटाफेस में वो सेंटर में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, एनाफेस में वो एक दूसरे को पुल अपार्ट, और टीलोफेस में दो सेल्स बन जाएंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है, पीछे दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी सेपरेशन हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्रोमाटिड की सेपरेशन हो रही है। और मियोसिस टू और माइटोसिस इसीलिए एक दूसरे से सिमिलर हैं क्योंकि यहाँ पे क्रोमाटिड की सेपरेशन होती है, जबकि मियोसिस वन में क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है, ठीक है। तो जर्म सेल्स जब गुनेट्स के पास पहुंचते हैं तो उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जो मेमेलियन पीजीसी हैं वो जेनिटल रिजिस के पास पहुंच जाते हैं मेल, और वहां पे इनको हम पीजीसी को अब गोनोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। और फिर वही गोनोसाइट इनकॉर्पोरेट करेंगे सेक्स कॉर्ड में, और वहां पे मिच्योरिटी तक वहां पर ही रहेंगे, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगी। अब जो इसका इसका जो प्रोसेस है कि इसने मिच्योरिटी तक जो है वो ऐसे ही रहेगा, एक्चुअली मेल और फीमेल के अंदर जो गैमीट की फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस वेरी करता है। जो फीमेल है उसमें ओजेनेसिस की जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि जो मेल है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पुबर्टी पे जाके स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो फीमेल का ओसाइट है ये नॉन मोटाइल है, ठीक है, नॉन मोटाइल है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा कंजर्व होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें स्टोर होती हैं जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एमआरएनए, ठीक है। जबकि जो मेल है उसने मूव करना है, वो मोटाइल है, स्पर्म मोटाइल होते हैं, तो वो अपने साइटोप्लाज्म को इलिमिनेट कर देता है और न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो सेक्स कॉर्ड हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सर्टोलाइज सेल्स बनाते हैं। जो सेक्स कॉर्ड है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाएंगी, जबकि जो उसकी एपिथेलियल लाइनिंग है वो सर्टोलाइज सेल्स बनाती हैं, ठीक है। अब इनका भी डिफरेंट काम होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म्स, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो सर्टोलाइज सेल्स है ये एक्चुअली नरिशमेंट का काम करते हैं, जो कि सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। अब जो इसकी इसमें जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो एक्चुअली किस तरीके से होती है कि जो गोनोसाइट हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, जो गोनोसाइट हैं वो डिफरेंशिएट करेंगे स्टेम सेल्स में, और उस वक्त इन स्टेम सेल्स को हम कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और ये जो अनडिफरेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है ये एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेम सेल्स की निचेस में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर क्रिएटेड बाय सर्टोलाइज सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है।
अब जो स्पर्मेटोगोनिया हैं, जो कि अभी अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, जब इन्होंने अनडिफ्रेंशिएट होना है तो इसके लिए भी इनको सिग्नल्स चाहिए। अब जो जीन्स हैं वो या प्रोटीन्स जो हैं वो इनको सिग्नल देती हैं, और कौन सी प्रोटीन देंगी? WNT, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है, सिग्नलिंग पाथवे है, और जो BMP, बोन बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जो है, ये दोनों इसको सिग्नल देंगे। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो BMP और WNT के सिग्नल के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे स्पर्मेटोगोनिया के पास इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, इनकी सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। जब जो स्पर्मेटोगोनिया है उसके पास जितना भी BMP हाई होगा, उतना ही जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो फास्ट होगा। तो WNT और BMP पाथवे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन एंड फॉर द स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस दिखाया हुआ है कि जो अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है उसको हम डेंस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डेंस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है या फिर A1 स्पर्मेटोगोनिया, इनको हम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सेक्स कॉर्ड के लेमिना, बेसल लेमिला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब मिच्योरिटी आती है तो ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है ये टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइड करती है। जो टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया है ये टाइप 3 स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइड करती है, और टाइप 3 स्पर्मेटोगोनिया टाइप 4 स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइड करती है। अब जो टाइप 4 स्पर्मेटोगोनिया है ये डिफ्रेंशिएट करता है फर्स्ट कोमिटेड स्टेम सेल में। ठीक है, पहला जो फर्स्ट स्टेम सेल है वो उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा, और इस 4A स्पर्मेटोगोनिया को हम इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। अब ये जो इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया है इसमें माइटोसिस होगी, और ये डिवाइड करेगा टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। ठीक है, अब ये जो टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया है ये एक्चुअली प्रीकर्सर्स हैं स्पर्मेटोसाइट्स के, जिसमें माइटोसिस होना शुरू हो जाएगी। जब ये माइटोसिस कंप्लीट होगी तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये फर्दर स्पर्माटिड्स बनाएंगे, और स्पर्माटिड्स जो हैं ये फर्दर स्पर्म्स बनाएंगे। अब इनकी फॉर्मेशन के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए। एक है ग्लियल सेल ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, यानी कि GDNF फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर है वो है स्टेम सेल फैक्टर। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं अगर ये प्रेजेंट होंगे तो उसमें स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हमारे पास जो स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन हुई है, तो जो मिच्योर स्पर्म है उसका क्या डिफरेंस होता है स्पर्माटिड से? एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक है गोल्जी अपरेटस, और दूसरी है सेंट्रियोल, और तीसरी है माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्पर्माटिड को मिच्योर स्पर्म में डिवाइड करती हैं। एक्चुअली जो गोल्जी अपरेटस है ये स्पर्म का हेड बनाती है, यानी कि एक्रोसोम बनाती है। ठीक है, जो सेंट्रियोल है ये फ्लैजेला बनाती है, जिसके जरिए ये मूव कर रहा होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रिंग बनाती है अराउंड द फ्लैजेला। ठीक है, तो ये फ्लैजेला के अराउंड पे क्या बना देगी? रिंग बना देगी। तो अल्टीमेटली जो स्पर्माटिड है वो मिच्योर स्पर्म में डिवाइड हो जाएगा, जिसका हेड रीजन है, मिड पीस है, और इसकी टेल है। तो ये एक मिच्योर स्पर्म होता है। अब किस वक्त जो मेल है, मेल गुनेट को कैसे पता चलता है कि अब ये जितने भी प्रोसेसेस हमने पीछे डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से ये स्पर्म बनेगा, मियोसिस कब स्टार्ट होगी? एक्चुअली जब भी कोई चेंज आएगा, जब भी मेच्योरिटी पे पहुंचेगा कोई भी इंसान, कोई भी मैमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसका हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी को। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होता है उसको उसके साथ रिलीजिंग का वर्ड दिया जाता है। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी जो है वो फर्दर जाके गुनेड पे एक्ट करती है और रिस्पेक्टिव हार्मोन को वहां से रिलीज करवाती है। अब जो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि यहाँ पे गुनेड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए ये गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को यहाँ से रिलीज करवाएगा या पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी जो है यहाँ से 2 हॉर्मोन्स को रिलीज करवाएगी। एक है FSH और दूसरी है LH। जो FSH है और LH है ये गुनेड पे जाके एक्ट करेंगी। ठीक है, FSH से जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो है एस्ट्रोजिन हार्मोन, और जो LH है वो प्रोजेस्टिरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, एक तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को बिल्ड करवाता है, और दूसरा जो एस्ट्रोजिन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को बिल्ड करवाएगा, और जो प्रोजेस्टिरोन है ये क्या करेगा? स्पर्म के प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है,
और ऐसे ही इसमें जो पॉजिटिव सिग्नल तब देगा जब इसकी जरूरत होगी, मतलब जब इसने स्पर्म को प्रोड्यूस करवाना है, जब स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत इनफ हो गई है, तो फिर जो गुनेट हैं ये नेगेटिव सिग्नल देंगे पिच्यूटरी को कि अब इसके प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, और वो इनहिबिन को रिलीज करेंगे जो कि इसके प्रोडक्शन को स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इसकी रेगुलेशन होती है। पॉजिटिव फीडबैक तब होगा जब इसके प्रोडक्शन चाहिए, और नेगेटिव फीडबैक कब होगा जब इसके प्रोडक्शन नहीं चाहिए होती, ठीक है। और इसके साथ ही सर्टोलाइज सेल्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, और जो सर्टोलाइज सेल हैं उनका काम क्या होता है, इन्होंने सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, और सर्टोलाइज सेल ही इनहिबिन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है, पिच्यूटरी के पास जाता है, और फिर वहां पे कब रिलीज होगा, जब स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये उसको स्टॉप का सिग्नल दे देता है कि अब इसके प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।